कोई चाहता है कि उसकी स्किन ग्लोइंग हो, हेल्दी हो। हर कोई चाहता है कि जब वो सुबह उठे तो अपने स्किन को देख के, हेल्दी स्किन को देख के बहुत खुश हो। उसे कोई भी केमिकल यूज ना करना पड़े सुंदर दिखने के लिए, कोई भी मेकअप प्रोडक्ट का यूज ना करना पड़े उसे सुंदर दिखने के लिए, हर कोई चाहता है। तो इस ये वीडियो आप ही के लिए है, आप सही जगह पर है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन बिना मेकअप के बहुत ही ग्लोइंग लगे, हेल्दी लगे, तो इस शॉर्ट्स को लेना बनता है। आज हम इसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे साथ हैं यानी मोना कोट के साथ हैं, और आज फिर हम बात करने वाले हैं एक नए प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में। इसे कैसे यूज किया जाता है, इसमें क्या क्या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये प्रोडक्ट शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं इस चैनल पर तो आपको पता होगा कि ये जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ लिमटेक, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन आए थे मेरे पास कि हमारी स्किन के लिए ऐसा कुछ हो कि हमें ना हमारी जो स्किन है वो हेल्दी रहे, ना कि वो करे व्हाइट हो जाए। ठीक है, मैं व्हाइट स्किन के खिलाफ नहीं हूँ, बट जो आपको गॉड ने नेचुरल कलर दिया है आप उसमें हैप्पी रहोगे ना तो आपकी स्किन और ग्लो करेगी। अंदर से खुश रहना बहुत जरूरी होता है, उसी तरह से इंटेक लेना भी बहुत जरूरी होता है आपकी ग्लो स्किन के लिए। तो चलिए बात करते हैं और मिलते हैं एक छोटे इंट्रो के साथ। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, मैं नहीं जानती, वो रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो मिलते रहते हैं। ये वो रिव्यू नहीं है कि आया खरीदा और आपको रिव्यू कर दिया, ये वो रिव्यू है जिसे पहले टेस्ट किया जाता है, यूज किया जाता है, उसके बाद ही किसी प्रोडक्ट का रिव्यू दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसे मैं पहले भी यूज करती हूँ और इसे आगे भी शायद यूज करती रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्टी भी है और इसका कोई झंझट नहीं है, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है इन 3 महीनों में। जी, मैं बात कर रही हूँ लॉरिक शॉर्ट्स की। ये लॉरिक शॉर्ट्स है जिस मैंने इस बार स्किन केयर शॉर्ट्स मंगवाए थे। स्किन हेयर केयर आपको हेयर के लिए भी मिल जाएंगे। इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा है, और इसका फ्लेवर जो कोकोनट वाला बनाया था ये बहुत टेस्टी है, यमी है। आप दिन हो या रात हो आप इसे कभी भी इंटेक कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसमें क्या क्या मिक्स हुआ है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, तो चलिए देख लेते हैं। अब आप कहेंगे कि लॉरिक शॉर्ट्स ही क्यों, तो लॉरिक शॉर्ट्स है GMP, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस, सोय फ्री है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव एड नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात, साइंटिस्ट द्वारा ISO प्रमाणित है, यानी ISO सर्टिफाइड है, ग्लूटेन फ्री है, नॉन GMO है, और क्या चाहिए। लॉरिक शॉर्ट्स एक एडिबल पाउडर शॉर्ट्स है जिसमें आपको, मैंने जो मंगाया था वो 4 grams ऑफ कोकोनट पाउडर मिलेगा, जिसके अंदर साथ ही 26 मिरेकल इंग्रेडिएंट्स है जिसे टेस्ट किया गया है, उसके बाद ही ये मार्केट में आया है, सो है ना। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। नारियल तेल को किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके बारे में हम इसके कई उपयोगी और लाभों से अच्छी तरह वाकिफ है। पसंदीदा त्वचा मॉइस्चराइजर से लेकर बालों की देखभाल, सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक स्रोत, हर किसी की शेल्फ और एक अनिवार्य उत्पाद होने के कारण ये बहुमुखी और प्रभावी भी है। जो कोकोनट होता है उसमें सक्रिय फैटी एसिड लॉरिक एसिड होता है, जिसे लॉरिक एसिड कहा जाता है। तो कोकोनट जो होता है वो स्किन के लिए तो वैसे ही बहुत बेनिफिशियल होता है, इसके काफी सारे बेनिफिट्स है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काफी सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में इसमें डिटेल में चर्चा की गई है। तो लॉरिक एसिड जिसमें होता है कोकोनट, और इसे मिरेकल क्लींजर के द्वारा। पपाया एक स्किन हीलर है जो आपकी स्किन पिगमेंटेशन से ट्रीट करता है, आपकी स्किन को ग्लो करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, एंटी एजिंग से बचाता है, आपकी कोई भी स्किन डिसीज हो उसे
ट्रीट करता है, आपकी स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करता है, और क्या चाहिए। तो अगर आप इसे इंटेक करते हैं तो काफी सारा इसमें जो कोलेजन प्रोडक्शन की जो मात्रा होती है वो काफी ज्यादा स्टिमुलेट करता है उसे। और क्या बताएं पपाया के बारे में, ये बेस्ट स्किन हीलर है। अगर आप इसे रो भी खाते हैं, फूड के रूप में खाते हैं तो भी बहुत अच्छा है, और अगर आप इसे शॉट्स के अकॉर्डिंग लेते हैं, इंटेक करते हैं तो और अच्छा है। नेक्स्ट है हमारा कोकोआ सीड्स। कोकोआ सीड्स होता है एंटी इंफ्लेमेटर। आपने सुना ही होगा कि कॉफी को अगर आप अपने फेस पे स्क्रब करते हैं हफ्ते में दो बार तो वो आपकी स्किन को बाहर से ग्लोइंग करती है। अगर आप शॉट्स के थ्रू इसे इंटेक कर रहे हैं मल्टीपल 26 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ तो सोचिए आपकी स्किन पे कितना ग्लो आएगा। तो इसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स है, 26th जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें शॉर्ट्स में अवेलेबल है। आप अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसमें आप सर्च कर सकते हैं, उसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया गया है। बहुत सारे नेचुरल चीजें, बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स है इसके अंदर। अगर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में और बताऊंगी तो एक वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो बेहतर होगा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे भी जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आप इसे किसी भी समय दिन या रात में ले सकते हैं, आपको सिर्फ करना इतना है। मैं कैसे लेती हूँ, मैं पानी के एक गिलास के अंदर एक गिलास फुल ऑफ वाटर ले लेती हूँ, एक से कट करती हूँ, उसमें मिक्स करती हूँ, उसे ड्रिंक करती हूँ। मैं यूजली इसे दिन में लेना पसंद करती हूँ, आफ्टर माय लंच ब्रेकफास्ट या वॉट एवर, कोई भी टाइम हो आप कभी भी ले सकते हैं। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको खाना खाने के बाद ही लेना है या पहले ही लेना है, आपका जब मन करे आप ले सकते हैं। ये डिलीशियस है टेस्ट में और बहुत ही यमी है। अगर आप अपनी स्किन से प्यार करते हैं, अपने हेयर से प्यार करते हैं, बिल्कुल आप इसे ले सकते हैं। आपको एक पैकेट मिल जाएगा, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या आप lorik.com पर जाकर भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो ये काफी अफोर्डेबल है, अगर आप लेना चाहे तो बिल्कुल जा सकते हैं इसके साथ। इसने ऐसा नहीं है कि ये स्किन को बिल्कुल ही सफेद कर देगा, बट ये है कि आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी, आपके हेयर हेल्दी हो जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम है उससे आप उसे क्योर कर सकते हैं। आई होप यदि आप इसे बिना पानी बिना मिल्क के कंज्यूम करना चाहें तो आप सिर्फ इस पेपर को फाड़िए और डायरेक्ट इंटेक कर सकते हैं। इसका जो स्वाद है बहुत ही टेस्टी है, और अगर आपने बचपन में मिल्क पाउडर खाया ही होगा तो ये उससे काफी मिलता जुलता है, तो काफी आप लोगों को पसंद आएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप इसे किसी भी में मिला के पी सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी और बहुत अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ ही आप कमेंट करके भी बताइएगा ताकि मैं आगे नए प्रोडक्ट्स का यूज करके उसका रिव्यू आपके सामने लाती रहूं। तो और अगर आपको व्लॉग्स देखना पसंद है तो मेरा दूसरा चैनल है मुना को व्लॉग्स, आप उसे भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हम काफी मस्ती करते हैं व्लॉग्स देखना, तो आप जाके उस चैनल को भी देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।